पाठ 14 जल का महत्व। जल बिना प्राणी जगत का अस्तित्व संभव नहीं। ऐसी अनमोल वस्तु का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी को इससे वंचित न होना पड़े। इस तथ्य को बहुत सुंदर ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पाते हैं कि इस विकास चक्र में बेचारी प्रकृति पिस रही है। हमारे जेट यानों ने उड़ानों में पक्षियों को मात दे दी, पर हवा में एक नया जहर घोल दिया। हिरण की कुलाचों को मोटर कार और दूसरे किस्म किस्म के वाहनों ने पीछे छोड़ दिया, पर साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के अभिशाप के अलावा कार्बन मोनोक्साइड जैसी विषैली गैसें भी छोड़ दी। इसी प्रकार हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है। अतः प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। हम रोज के कामों में जल का उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे पीने, नहाने, धोने तथा सफाई आदि में। हमारे खाद्य पदार्थों में जल की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। हरी सब्जियों में तो यह मात्रा बहुत ही अधिक होती है। खीरे और ककड़ी में लगभग 95% जल होता है। कृषि से ही खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पर पानी के बिना कृषि संभव नहीं। बीज के अंकुरण से लेकर पौधों में फल लगने तथा उनके पकने की अवधि तक नमी की जरूरत होती है। पौधे की समुचित वृद्धि के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक पानी में घुलकर जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े कल कारखानों में वाटर गैस का उपयोग होता है। भाप के इंजन में भी पानी का उपयोग होता है। इस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। शरीर के भीतर जल के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वस्थ शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी होता है। शरीर में पानी की उपस्थिति में खून तरल बना रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। अतः ये कहना कि जल ही जीवन है सार्थक है। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक आदि। पानी ऐसा द्रव है जिसमें किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थों को घोलने की क्षमता अधिक होती है। अधिकतर पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा पानी में घुल सकती है। भोजन के उसी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो पानी में घुलनशील होता है। इस घोल का पूरे शरीर में संचार क्रिया होती है। जल हमें तीन स्रोतों से मिलता है, वर्षा द्वारा, दूसरा स्रोत नदी, तालाब, समुद्र द्वारा तथा तीसरा भूमि के भीतर झरनों एवं कुओं द्वारा। हमें ये जल अशुद्ध रूप में ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें शुद्ध करके उपयोग में लाया जाता है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। 1. पानी की सतह पर अल्ट्रावायलेट प्रकाश डालकर, 2. पानी में क्लोरीन तथा ब्लीचिंग पाउडर डालकर, 3. पानी में अमोनिया तथा क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, और 4. पानी में ओजोन गैस प्रवाहित करके। समुद्र का जल स्वाद में खारा होता है, जिसका कारण उसमें घुले हुए विभिन्न प्रकार के लवण हैं। इसमें साधारण नमक होता है। कई देशों में पेयजल की कमी की पूर्ति के लिए समुद्री जल के शुद्धीकरण के प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे समुद्र तट पर बसे इजराइल तथा अरब में। आज जनता की लापरवाही से जल प्रदूषित होता जा रहा है। जल कई प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, खनिज पदार्थों द्वारा, वनस्पतियों द्वारा,
प्राणियों द्वारा और वायुमंडल के विकारों द्वारा। प्राणियों द्वारा दूषित जल सबसे अशुद्ध होता है। स्वस्थ एवं रोगी सब तरह के लोग तालाबों तथा नदियों के पानी में नहाते हैं तथा कपड़े धोते हैं, जिससे गंदगी पानी में ही मिलती रहती है। लोग तालाब और नदियों के किनारे ही शौच करते हैं तथा गंदे हाथ भी उसी पानी में धोते हैं। वर्षा होने पर आसपास का सारा मल पानी के साथ बहकर तालाब एवं नदी में मिल जाता है। नदियों के किनारे बसे नगरों के गंदे नाले और कल कारखानों के कचरे भी नदी में ही छोड़े जाते हैं। मुर्दों की राख और कभी कभी तो जानवरों और मनुष्यों की लाशों को भी नदी में बहा दिया जाता है, जिनके सड़ने गलने से रोगाणु पैदा हो जाते हैं। जहां अधिक कल कारखाने होते हैं, वहां के वायुमंडल में व्याप्त भाप, धुआं, धूल कण, रेशे और जहरीली गैसें वर्षा के साथ जल में मिल जाती हैं तथा नदी तालाब में पहुंच जाती हैं। अतः जल के प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है। अन्यथा एक ऐसा समय भी आ सकता है कि अत्यधिक जल प्रदूषण के कारण पीने योग्य पानी का मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, पीने के उपयोग में लाए जाने वाले तालाबों एवं नदियों का जल साफ रखा जाए। दो, नगरों के गंदे नाले नदी में न मिलाए जाएं। गंदे पानी को बस्ती से दूर किसी जगह इकट्ठा करके उसमें एकत्र गंदगी से खाद बनाई जाए तथा साफ पानी को सिंचाई के काम में लाया जाए। तीन, कल कारखानों के कचरे को नदियों में न डालकर कहीं और इकट्ठा किया जाए और उनसे अनुपयोगी पदार्थ निकालकर केवल साफ पानी नदियों में डाला जाए, को नदियों में न बहाया जाए। पांच, वातावरण को दूषित होने से रोका जाए। कल कारखानों की चिमनियों में फिल्टर का उपयोग किया जाए, जिससे रेशे, धूल कण तथा कार्बन के छोटे छोटे टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश न कर सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है, अतः इसे बचाना जरूरी है।